अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आर चॉट्स। पिछले 8 महीने में हमने बहुत सारे ममालिक में टेस्ट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड टेस्ट। इसमें इंडिया शामिल था, यूएई शामिल था, तुर्की शामिल था, सिंगापुर शामिल था, जापान शामिल था, ताइवान था, चाइना था, देयर वर मेनी ऑफ देम। जबकि बहुत सारे व्यूअर्स ने इन स्पीड टेस्ट्स को अप्रिशिएट किया, उन्होंने इनको देखा और उनको पसंद भी आए, और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि प्रॉबेबली आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर कर रहा था। इनमें एक सबसे कॉमन चीज़ ये थी कि शायद मेरा स्पीड टेस्ट इसलिए अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहरी जहाज़ के ऊपर हूँ। तुम दोनों का क्या ख्याल है भाई, सही किए थे मैंने स्पीड टेस्ट? खिलौने मेरे बच्चों के। वो तमाम के तमाम स्पीड टेस्ट सही थे या नहीं थे, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो वीडियो के आगाज़ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैक्सिमम ममालिक में जो सिस्टम यूज़ हुआ हुआ है दैट इज़ GSM। फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं बट इट इज़ GSM। कुछ ममालिक के अंदर इट इज़ CDMA और ये डिफरेंट बैंड्स हैं CDMA के जो कि ऑपरेट होते हैं। बट द थिंग दैट आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज़ कि बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी भी मोबाइल ऑपरेटर की रेंज में होते हैं, जब आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो यूजुअली बेस्ट कवरेज के लिए आपको एक ऐसे टावर की कन्फिग्रेशन फ्राहम की जाती है जैसा आपकी शहद की मक्खी का छत्ता होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके दरमियान में आप होते हैं, यू हैव मैक्सिमम कवरेज। इन टावर्स में से किसी भी टावर के आप करीब होते हैं, यू हैव मैक्सिमम कवरेज। यूजुअली एक टावर का जो कवरेज एरिया होता है, इट डिपेंड्स ऑन द बैंड कि वो किस बैंड के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। बट यूजुअली आमतौर पे अगर आप 8 से 10 किलोमीटर एक टावर के अंदर मौजूद हैं तो आपको आमतौर पे 4 से 5 बार या ऑलमोस्ट 80-90% आपको कवरेज मुहैया होती है। ऑल दो इसको इन टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जाता, हम डेसिबल्स में बात कर रहे होते हैं इन टेक्निकल टर्म्स, बट एज दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर टेक्निकल पीपल तो मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा। बिकॉज पर्पज इज़ मकसद ये है कि इस वीडियो को सिंप्लीफाइड रखा जाए ताकि हर एक की समझ में आए बात। अब जनाब, टावर की इस कन्फिग्रेशन रखने का मकसद क्या होता है? टावर की इस कन्फिग्रेशन रखने का मकसद ये होता है कि यूजुअली आप 650 से लेके और 2100-2500 मेगाहर्ट्ज़ तक आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे अच्छा खासा डाटा कैरी कर सकती हैं, वहाँ पे इनके साथ एक और इशू ये होता है कि चूंकि ये हाई बैंडविड्थ में होती हैं तो इनकी ट्रेवल डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, ये ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर एक सेलुलर नेटवर्क 650 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर रहा है, तो अगर हम इस मिनियन को कंसिडर कर लेते हैं टावर, इस मिनियन को हम कंसिडर कर लेते हैं ऑपरेटर, तो इस टावर से ये यूज़र अगर इतना दूर होगा तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसको मैक्सिमम कवरेज मिल रही है। इससे ये जितना दूर जाता जाएगा इसकी कवरेज कम होती जाएगी और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसको अच्छी कवरेज नहीं मिल पाएगी या बिल्कुल कवरेज शायद मिलेगी नहीं। हम इस यूज़र को दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर ले आते हैं, लेकिन हम इस टावर की फ्रीक्वेंसी अब इमेजिन कर लेते हैं कि 2100 मेगाहर्ट्ज़ है। अगर ये टावर 2100 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करेगा तो ये यूज़र जो कि इतनी दूर ही खड़ा हुआ है, इसको उतनी सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जितनी इसको 650 मेगाहर्ट्ज़ पे मिल रही थी। यही वजह होती है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे आपके 4G के 1 या 2 सिग्नल्स आ रहे हों, लेकिन आपका ऑपरेटर इस काबिल हो कि वो उस जगह पे 3G और 4G दोनों ऑपरेट कर रहा है, आप जब अपने फ़ोन को 3G के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपके फ़ोन की बार्स पूरी हो जाएंगी। इज़न दैट स्ट्रेंज कि उसी मुकाम पे खड़े हुए आपको 4G के खाली 2 बार्स आ रही थी और उसी मुकाम पे खड़े हुए आपको 3G की फुल बार्स आ रही हैं। और यही वजह होती है कि आपके ऑपरेटर की, फॉर एग्जांपल, 3G के अगर 2 या 3 बार आ रही हैं, आप उसको 2G के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरी बार्स मिलेंगी। वजह यह है जनाब कि 2G ऑपरेट हो रहा होता है नॉर्मली 800-850 मेगाहर्ट्ज़ पे। कॉमनली हमारे मुल्कों में यही है, इंडिया में भी यही, पाकिस्तान में भी यही है, दूर तक ट्रैवल करता है। 3G 1800-1900 मेगाहर्ट्ज़, 4G 2100-2200 मेगाहर्ट्ज़, मोर देन 2000 मेगाहर्ट्ज़, दैट इज़ वाई 4G ट्रेवल्स लेसर। 3G उससे ज़्यादा ट्रैवल करता है और 2G उससे भी ज़्यादा ट्रैवल करता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार की है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी और फोन इस वक्त मेरा हाथ में है, एंड यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि जैस 4G के सिग्नल 2 आ रहे हैं, यू फोन के सिग्नल पूरे के पूरे आ रहे हैं। मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाता हूँ, मोबाइल डाटा में जैस के ऊपर गया और मैं 4G से इसको स्विच कर देता हूँ 3G के ऊपर, एंड लेट्स सी के क्या होता है। एक सिग्नल इम्प्रूव हो गया, पहले 2 बार आ रही थी, 3G की 3 बार आ रही हैं। मैं इसको फिर स्विच करता हूँ और मैं इसको ले जाता हूँ 2G के ऊपर, और 2G की चारों वार्स आ रही हैं। आपको मैंने अभी अभी जो बात बताई वो मैंने आपको प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखा दी है कि वही नेटवर्क 2G के ऊपर फुल बार्स दे रहा है, 3G के ऊपर उसकी 4 बार्स आ रही हैं, 4G के ऊपर उसकी 2 बार्स आ रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इस पूरी की पूरी कहानी का
हमारे आज के मौजू से क्या ताल्लुक है? इस पूरी की पूरी बात का ताल्लुक आज के मौजू से ये है जनाब कि हम इस वक्त बैठे हुए जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर आपके सिग्नल्स के अंदर इंटरफेरेंस हो रही होती है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो रहा होता है कि एक सिग्नल मोबाइल का है, एक सिग्नल जो कि कहीं और से रैंडमली जनरेट हो रहा है, वो आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और आप तक वो सिग्नल की स्ट्रेंथ पूरी नहीं पहुंच पा रही। और इस वजह से होता क्या है कि आपके मोबाइल या सेलुलर सिग्नल्स का ट्रैवल डिस्टेंस कम हो जाता है। जितना उनको सफर करना चाहिए एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, वो उतना सफर नहीं कर पा रहे होते। अगर उन्होंने 16 किलोमीटर दूर जाना है तो वो 16 किलोमीटर दूर सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे होते क्योंकि उनको इंटरफेरेंस मिल रही होती है। इसलिए मोबाइल ऑपरेटर्स जब जमीन के ऊपर अपने टावर इंस्टॉल करते हैं तो वो लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि हम ऐसी लोकेशन पर इंस्टॉल करें टावर जहां पे उसको इंटरफेरेंस कम से कम मिले, लोगों तक उसकी रीच ज्यादा से ज्यादा हो। इंटरफेरेंस को मद्देनजर रखा जाता है जब टावर्स को इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन जब हम समंदर में होते हैं तो हमें इस चीज का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम पोर्ट में जाते हैं, जमीन के करीब जाते हैं तो हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब हम जमीन से थोड़ा सा दूर आते हैं समंदर में तो हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वही टावर जो कि जमीन के ऊपर हार्डली 16 किलोमीटर का फासला कवर कर रहा होता है, हमें समंदर के अंदर 16 माइल्स का फासला वो दे रहा होता है। और यहाँ पे जिन माइल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिशनल माइल्स नहीं है, वो है नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, जिसका मतलब है हमें तकरीबन 30 किलोमीटर दूर तक सिग्नल बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, हमें ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ मिल रही होती है। और अगर फुल स्ट्रेंथ ना भी हो, सिग्नल की बार 3 भी हो, तो हमें स्पीड बहुत अच्छी मिल रही होती है। और वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ एक होती है, इंटरफेरेंस नहीं हो रही होती है समंदर में। जहाज की मशीनरी जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही होती है दैट इज वे वे डाउन। तकरीबन आपको 30-40 मीटर नीचे जाना पड़ता है तो वहां पे वो मशीनरी आपको नजर आना शुरू होती है जो कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही होती है और जनरेट कर रही होती है। जहाज के ऊपर ब्रिज के ऊपर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। लिटिल बिट ऑफ इंटरफेरेंस माइट बी जनरेटेड विद आवर सैटेलाइट इंटरनेट, बट नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई होती है। सो द पॉइंट इन डिस्कशन इज कि मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों का जो पहला पॉइंट है ना कि आप चूंकि समंदर में दूर हैं इसलिए आपकी स्पीड अच्छी नहीं आ रही, दैट इज नॉट सो मच वैलिड। मैं इसको बिल्कुल सिरे से कंप्लीटली रद्द तो नहीं करूंगा, बिकॉज अगेन उस टावर के ऊपर लोड कितना है वो भी मैटर करता है। सिग्नल स्ट्रेंथ अप टू लिटिल बिट ऑफ एक्सटेंट ऑल्सो मैटर करती है, लेकिन इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रही होती। स्पेशली सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए थे वो चाइना के इंटरनेट की वीडियो के ऊपर आए थे, बिकॉज पीपल वर थिंकिंग चाइना के इंटरनेट बहुत फास्ट है और वहां पर इतना फास्ट मुझे नहीं मिला। और वहाँ पे ऑब्वियसली जब मैं स्पीड टेस्ट कर रहा था तो मेरी एक बार थी, सिर्फ एक बार थी 4G की जिसपे मैं स्पीड टेस्ट कर रहा था। और ऑनेस्टली मैं खुद थोड़ा सा परेशान हुआ था, मैंने कहा मैं 1 बार के ऊपर स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, ये स्पीड टेस्ट जब मैं अपलोड करूँगा तो लोगों के कमेंट्स आएंगे कि जी एक बार के ऊपर आपने स्पीड टेस्ट कर दिया और आपने इसको अपलोड कर दिया एंड यू आर थिंकिंग कि आपने चाइना में स्पीड टेस्ट किया है, नॉट फेयर। लेकिन हुआ ये था जनाब कि मैंने पूरी की पूरी वीडियो वो एनीवे रिकॉर्ड कर ली और जब हम बर्थ के ऊपर गए एंड व्हेन आई वाज गेटिंग ऑलमोस्ट फुल सिग्नल स्ट्रेंथ, 4 की 4 बार्स सिग्नल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई थी, स्पीड इंप्रूव नहीं हुई थी। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड, मैंने कहा ऑलरेडी जो शूट कर लिया ना उसी को अपलोड कर दो, बिकॉज एज अ कैप्टन ऑफ अ शिप मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं एक वीडियो को बार बार शूट करता रहूं। और मैंने पहले शूट इसलिए की थी कि मेरे पास टाइम था और मुझे पता था कि जब हम बर्थ पे जाएंगे तो मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जनाब कि मेरी वीडियोस पे अक्सर कमेंट्स ये आ रहे होते हैं कि जनाब फ्लाम मुल्क के अंदर हमने तो सुना है बहुत अच्छा इंटरनेट है, फ्लाम मुल्क के अंदर हमने सुना है बहुत अच्छा इंटरनेट है, आपके स्पीड टेस्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा। ताइवान की वीडियोस पे स्पेशली एक मेरे सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडमेंट हुए हुए कि ताइवान में तो दुनिया का तेज़रीन इंटरनेट है, फिर आपके पास क्यों अच्छा इंटरनेट स्पीड नहीं आ रहा। तो मैं आपको दो क्वेश्चंस करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि थ्योरेटिकल स्पीड्स जो कि प्रोपोगेट की जाती हैं और जिनकी एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो और आपको जो एक्चुअल स्पीड मिल रही होती है उन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्रैक्टिकली दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट साउथ कोरिया में, और आपको पता है उसकी स्पीड कितनी है, मोबाइल इंटरनेट की बात कर रहा हूँ मैं, 28 मेगाबिट्स पर सेकेंड, क्योंकि ये एक एवरेज स्पीड है जो कि पूरे मुल्क के अंदर किसी को मिल रही होती है और ये एवरेज स्पीड है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी स्पीड टेस्ट की रैंकिंग्स की जाती हैं। पॉइंट इन डिस्कशन, हर मुल्क के अंदर ऐसी जगह मौजूद होती हैं जहाँ पे आपको हाई लेटेंसी मिलेगी, कम स्पीड मिलेगी, और हर मुल्क के अंदर ऐसी जगह मौजूद होती हैं कि जहाँ पे आपको लो लेटेंसी मिलेगी और आपको हाई स्पीड मिलेगी। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बैठे हुए अभी थोड़ी देर पहले आपको जैज़ का नेटवर्क दिखाया और मैंने दिखाया कि 4G की खाली 2 बार्स आ रही हैं और यहाँ पे स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं आती जैज़ की। अभी मेरे पास 2 बार्स आ रही हैं एंड माय पिंग इज 20 ms, डाउनलोड स्पीड तकरीबन 3.5 megabits per second है और अपलोड स्पीड तकरीबन 0.07 0.8 megabits per second है। लेकिन आप यहाँ से मेरे इस स्टूडियो से आप तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चले जाएं, आपको पता है वहाँ पे कितनी स्पीड आ रही होती है इसी नेटवर्क की, इट इज़ अराउंड 70 megabits per second डाउनलोड और तकरीबन हमारे 30 to 35 megabits per second अपलोड। और यही चीज़ मैं बार बार हाईलाइट कर रहा होता हूँ कि वायरलेस इंटरनेट इज़ वायरलेस इंटरनेट,
आप वायरलेस इंटरनेट को कभी भी वायर्ड इंटरनेट से कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने जितने भी इन मुल्कों के स्पीड टेस्ट किए हैं, मैं जितने भी इन ममालिक में गया हूँ, आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज, हर मुल्क में ऐसी जगह मौजूद है कि जहाँ पे आपको जीरो कवरेज मिल रही होती है। दैट इंक्लूड्स यूएस ऑल्सो एंड ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स इंडिया ऑल्सो एंड दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान ऑल्सो। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि एक कोने से दूसरे कोने तक 100% कवर्ड हो, एक्सेप्ट सिंगापुर, ब्रुनाई और इस तरह के जो छोटे छोटे मुल्क हैं, मतलब हार्डली वो लाहौर के दो मोहल्लों के बराबर भी नहीं है उन मुल्कों का जो टोटल साइज है। तो यार बेसिकली इन तमाम की तमाम वीडियोज़ का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं ये बात बता दूँ कि आप लोग जो चीज़ें कागजात में पढ़ रहे होते हैं, जो आप इंटरनेट पर चीज़ें देख रहे होते हैं, वो दुरुस्त नहीं होती, दे आर नॉट करेक्ट। और मैंने स्पेशली आज की वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दूसरी तरफ जो घास लगा हुआ होता है ना, वो आपको हमेशा ज्यादा सब्ज लगता है। जिस कतार में आप खड़े हुए होते हैं ना, आपको हमेशा ही लग रहा होता है कि सबसे स्लो यही चल रही है। दुनिया के हर मुल्क में इंटरनेट इज गुड ऑल्सो एंड दुनिया के हर मुल्क में इंटरनेट इज बैड ऑल्सो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम टोटल एवरेज की बात करें तो कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें ऑन द एवरेज कवरेज अच्छे इंटरनेट की ज्यादा है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें अच्छे इंटरनेट की कवरेज आहिस्ता आहिस्ता तेजी से बढ़ती जा रही है, कुछ ऐसे हैं कि जिनमें अच्छे इंटरनेट की कवरेज काफी लिमिटेड है। और सबसे अहम और बड़ी बात यह कि वायरलेस इंटरनेट या इंटरनेट इन जनरल अगर दुनिया में इतना ही अच्छा हो चुका होता तो आज इलॉन मस्क को स्टारलिंक लॉन्च करने की जरूरत पेश ना आती। ठीक है, इसकी जरूरत ही कोई नहीं थी अगर हर जगह पे इतना अच्छा ब्रॉडबैंड हो। तो बॉटम लाइन आज की वीडियो ये है कि नहीं, मैंने स्पीड टेस्ट करने में किसी किस्म की गलती नहीं की और मैंने आप लोगों तक जो तफसीलात पहुंचाई वो बिल्कुल दुरुस्त थी। और वो तफसीलात और वो स्पीड टेस्ट करने का असली मकसद यही था कि मैं आप लोगों तक एक रियलिटी सामने लेके आऊँ और वो रियलिटी ये है कि एवरी कंट्री हैज़ गुड इंटरनेट ऑल्सो एंड एवरी कंट्री हैज़ बैड इंटरनेट ऑल्सो। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विथ टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यू आर वॉचिंग ऑरेंज शॉर्ट्स, मेरा नाम है जाहिद निसार। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।